सीएम राज्य उपचुनावों को लेकर अलवर के पामड़ा पैलेस में चार विधानसभा के पार्टी प्रतिनिधियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, लोकसभा प्रभारी भजन लाल शर्मा और मंत्री हेम सिंह बड़ाना सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमंत जयमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम वसुंधरा राजे? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब लोकसभा उपचुनाव की कमान संभाल चुकी है और उन्होंने आज अलवर में 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंची है और यहाँ उसके बाद उन्होंने लेमन ट्री होटल के अंदर विश्राम किया। उसके बाद पावना पैलेस में चार विधानसभाएं राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण और रामगढ़, इन चार विधानसभाओं के प्रभावशाली लोगों और पार्टी प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रही हैं, चुनाव को लेकर के रणनीति बना रही हैं और इसके बाद वसुंधरा राजे रोड शो भी करेंगी और कल उनका अन्य विधानसभाओं में भी जाने का कार्यक्रम है। जसवंत यादव के समर्थन में क्या प्रचार प्रसार कर रही हैं सीएम वसुंधरा राजे? जी, वसुंधरा राजे लगातार पिछले एक महीने से अलवर लोकसभा उपचुनाव पर नजर रखे हुए हैं और पहले भी उन्होंने यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम किए थे आठों विधानसभाओं में और उसको लेकर के उनकी तैयारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जसवंत यादव के समर्थन में अभी यहाँ पर रोड शो करने का भी कार्यक्रम है जिसमें पूरा यहाँ अलवर शहर और तिजारा में एक बहुत बड़ी सभा और दो अन्य स्थानों पर भी वो अपनी बड़ी सभा करेंगी और जसवंत यादव के समर्थन में जनता से मत मांगेंगी। हेमंत, क्या वसुंधरा राजे आज शाम को वापस लौट जाएंगी या फिर रात्रि विश्राम यहीं करेंगी? देखिए, अभी जैसा अभी तक वह है कि शाम तक तो यहीं पर है और इसके बाद शायद तिजारा जाने का कार्यक्रम है भी वो क्लियर नहीं है क्योंकि वसुंधरा राजे को कितना टाइम लगता है चार विधानसभाओं के प्रतिनिधियों से मिलने में और किस तरह से उनसे समय लेकर के समय पे निकल पाई तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही कार्यक्रम बढ़ेगा तो हो सकता है वो निकल जाए, लेकिन तिजारा का जो कार्यक्रम है वो अभी कल का है और उसके पर ये डिसाइड नहीं है कि अभी शाम को निकलेंगी या फिर यहाँ पर विश्राम करेंगी। जी, क्या वसुंधरा राजे ने विभिन्न समाज के लोगों से भी बातचीत की है? पहले जब जनसंवाद कार्यक्रम था जी, तो उसमें हर विधानसभा से हर समाज के लोगों से प्रतिनिधियों से उन्होंने व्यक्तिगत बात करी, उनकी समस्याएं सुनी और वास्तविकता में जो जन समस्याएं हैं संवाद समाज को लेकर के उनकी बातें भी उन्होंने सुनी है। अभी फिलहाल जो स्थिति है, जो पावना पैलेस में जो बैठक चल रही है, उस बैठक में इन विधानसभाओं के प्रभावशाली लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों से विचार विमर्श है, इस चुनाव को लेकर के एक रणनीति बनाएंगी कि किस तरह से विकास के नाम पर उनके कार्यकाल के चार साल के कार्यकाल के नाम पर उनसे जनता को रिझाया जाए, जनता से वोट मांगा जाए और जनता को भाजपा की ओर आकर्षित करके एक दोबारा से अलवर लोकसभा से भाजपा का प्रतिनिधि संसद में भेजा जाए। हेमंत, वहां मौजूद जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं मौजूद वहां पर, उनमें कितना उत्साह है सीएम वसुंधरा राजे यहां पर आई हैं? देखिए, वसुंधरा राजे आई हैं, इससे पहले कल कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी यहाँ मौजूद थे और वो अभी यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मंत्री हेम सिंह बडाना है और बाकी अन्य पार्टी प्रतिनिधि हैं जो काफी उत्साहित है। एक सूबे की मुख्यमंत्री है और पार्टी की सबसे दिग्गज नेता है, एक कमान संभाले हुए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री खुद इस कमान को एक मजबूती से यहाँ पर अलवर में आकर के संभाल रही है और हर पार्टी के बड़े प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों, यहाँ तक कि जो विधानसभा में ये चुनाव क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग जो अपना प्रभाव रखते हैं उन लोगों से भी संवाद करके अच्छा फीडबैक ले रही है और उन लोगों में काफी उत्साह भी है और उनका मनोबल भी बढ़ रहा है क्योंकि सूबे की मुख्यमंत्री अलवर में है और अलवर की कमान संभाले हुए हैं।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।